श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों अमृत छकन वाले ते गुरु गोबिंद सिंह जी की ज्योति जोत समाने तो बाद बंदा बहादुर जी दी फौजा दे नाल सहयोग करन वाले 100 घोड़ सवारां दी कमान संभालन वाले जकरिया खान वालों मदद मंगे जाण ते सिखा तो जदों मदद मंगी तो 100 दे 100 घोड़ सवारां दी कमान इन्होंने संभाली। विरसे दे विच बहादुरी मिली सी, सिक्खी मिली सी, जोश मिलिया सी, दृढ़ इरादे मिले सी। अज असी उन्होंने याद कर रहे हैं 299 में जन्मदिन। क्योंकि साड़ी जिहड़ी कौम है, साड़ा जिहड़ा विरसा है, साड़ा जिहड़ा इतिहास है, वह बहादुरियां नाल भरिया होया। जिस तरह डॉक्टर अनुराग जी कह रहे सी कि जदों भी धाड़वी आउंदे सी दिल्ली लुट्टण तां साडे बजुर्गां नूं दो वारी लड़ना पैंदा सी उन्हां नाल। एक बार जदों दिल्ली नूं जांदे सी, एक बार जदों लुट्ट के वापस आउंदे सी। तो साडे खून दे विच जुल्मां दे खिलाफ लड़न दी प्रेरणा है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर बहुत प्यार करते सी महाराज दसा सिंह रामगढ़े नूं, उन्हूं बाबा जी कहते सी। सो साडे इतिहास दे विच भरिया पिया बहादुरियां नाल, दृढ़ादियां नाल, जुर्मां दे खिलाफ लड़ाइयां लड़न वाला, मजलूमां दे हक च गुरु नानक साहब तो लैके जे उस वेले बाबर के खिलाफ बोलिया जा सकता सी, जे उस वेले पखंड ते जिहड़े वहम भरम दूर किए जाने का सुनेहा दिता जा रहा है तो यह साडे हिस्से आया। जुल्मां के खिलाफ लड़ाइयां लड़नियां अज भी जारी है, जुल्म भी अज मुक्या नहीं, जुल्म अज भी जारी है। और अलग गल है कि पहला जुल्म बगाने करते सी, हुण अपने करते हैं। लोहे ते सोने की दुकान आमो सामने सी। लोहे ने एक दिन सोने नूं कहा कि यार थौड़ा तेरे भी वजदा, थौड़ा मेरे भी वजदा। सोने ने कहा यह गल, सोने ने कहा थौड़ा तेरे भी वजदा, थौड़ा मेरे भी वजदा, पर तू थोड़ा ज्यादा रौला नहीं पाउंदा, तेरी आवाज जिहड़ी अद्धे पिंड तक सुनदी है, मेरी आवाज मेरी दुकान तो बाहर सुनी है तू। तां लोहा कहिंदा बिल्कुल ठीक है यार, थौड़ा अपने दोनों ते वजदा, मैं शोर ज्यादा चीका मारदा, फर्क इन्ना कि तैनू भी लोहे का थौड़ा वजदा, मैनू भी लोहे का, तेरे लिए लोहा बगाना है। बगाना ने तो कुटना ही होंदा, कुट लै। बगाना तो उम्मीद ही की है कि आ सकती है। मैं तां ज्यादा मेरा दर्द ज्यादा है कि मैनू मेरे अपने गुट पे। पंजाब का भी दर्द यही है, सानू अपन में लुकया। जो मेरे को फाइल आदि ने, मैनू कई फाइल देख के लगता है लोगों के खून ना लिखी हुई, कोई तरीका छड़े नहीं लुटण का, कोई तो तरीका छड़ दो यार, कोई तो लोगों के हक की गल कर नहीं है। हुण उन्होंने फैसले बदल रहे, अज 50 दिन हो गए सरकार बनी, अज 26,453 नौकरियां का इश्तहार तुसीं अखबारां च देखिया होना। यह पहला भी हो सकता सी, पर जदों इच्छा शक्ति नहीं है, लोगों नूं आई रखना है, कोई गल नहीं किधर जाणगे, वध तों वध दूजी पार्टी वल जाणगे, वह भी अपने ने, 5 साल बाद फिर दुबारे मुड़े आउणगे, वह भी उन्होंने भी कह देंगे चल ठीक है, चलते नहीं सी। बहुत सारे फैसले लागू हो चुके ने, कुछ आने वाले दिनों विधानसभा का सैशन आऊगा, बजट सैशन, पहला बजट सैशन उस लागू हो जाएंगे, और जिन्ने भी फैसले होंगे वो लोग पक्षी होंगे। 25 साल बाद आज एक कोठी खाली करी है।
25 साल 1997 तो बिच स्विमिंग पूल ने सरकारी पैसे ना बने हुए यदा मतलब पूल के लोगों का खून है खून ना ही नहाते कमाल छू राजी नहीं जो बच्चे नहीं जिद करते मैं नहीं जाना इतों से हार गए ती हार गए 70,000 वोटां ते हार गए कोई दो जगह तो हार गया किसी एक जगह तो दोनों हार गए गनमैन नहीं ने छड़न तैयार कहते ना ना सानू तां खतरा है मैं कहा जो लोग ही नहीं थोड़ा प्यार करते थोड़ा खतरा कहता फिर कोई होर काम कर लो फिर मोदी खाना खोल लो होर 50 काम ने क्यों खतरे वाला काम करते हो भी जो खतरा है साबका नूं भी खतरा है छड़दे ही नहीं हर फील्ड के एक रिटायरमेंट की एज है क्रिकेट के 35-36 वाले कह देंगे बैटन प्लेयर है 58 साल से पंजाब सरकार के मुलाजम रिटायर हो जाते 60 से एक सेंटर के हो जाते लीडर च कोई राजनीति कोई रिटायरमेंट ही नहीं तो साढ़े धियां पुत जे 37 साल तो एक दिन उपर हो जाए कहते तू ओवरेज हो गया तो इतने 94 साल के घर ही भर देंगे कहते मैं फिर लड़ूंगा एक मौका बोल दे दसो सो किसी ने सोचा नहीं सीगा कि ऐ हो जूगा इन्हों जब कोई हाथ पाऊगा इन्हों क्योंकि आपस रले मिले सी मैं पूछा अफसर तो मैं क्या भी मैं तो जे 2-3 घंटे घरें बह जा मैं ऐ लगता मैं धरती से बोझ हाँ चलो चलिए यार कितने होर चलिए कोई काम करिए मेरे यार जिहड़े पहले आए थे सारा दिन लगाते किमें से इतने वो कहते जी बस 11 बजे लंच चल पैंता सी 4 बजे तक तो लंच ही चलता सी पहला सूप आ गया सूप में बड़े प्यार नाल पीना है फिर उस बाद कुछ होर आ गया स्टार्टर फिर कुछ होर आ गया 4 बजे आराम नाल उठते सी वो टेबल तो फिर कहते चलो हम घंटा सो लीए 6 बजे उठ के कहते डिनर च की बनूगा हूँ फिर 11 बजे तक डिनर चलता सी मैं क्या पब्लिक कहते ना तो है नहीं सुनते एजेंडे के पब्लिक नहीं सुनते इस करके पब्लिक के एजेंडे तो वो है नहीं अजक गुरभजन गिल साहब बैठे ने छिंदा साहब ने सुरेश जी बैठे ने साडे जिला प्रधान ने लुधियाने दियां उगियां शख्सियतां बैठिया ने बहुत सियाने लोग बैठे ने सानू की लोड़ सी इधर आने की इस फील्ड अरविंद केजरीवाल जी एक IAS अपना IRS ऑफिसर से इंडियन रेवन्यू सर्विस इनकम टैक्स के कमिश्नर से मनीष सिसोदिया जी बड़े बड़े पत्रकार से मैं कलाकार से कोई वकील से मैडम मानू के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से सानू की लोड़ सी इधर आने की जो चज से निकले होंगे तो हूँ कहते नहीं ठीक नहीं है ठीक नहीं है कोई गल नहीं थोड़े लिए तो ठीक नहीं है पब्लिकली ठीक है सो इस मौके पर महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया यही सत श्रद्धांजलि होगी यही उन्होंने जन्मदिन की अपने वालों बधाई होगी कि जे आप उन्होंने पाए हुए रस्ते पर उन्होंने पाई हुई पैड़ा पर 0.01% भी चल पी है ना तो भी बहुत खुश हो बहुत वे बंदे आप उन्होंने पैड़ा की धूड़ का तिलका भी नहीं है हाँ मैं पंजाबियों एक बेनती करना सारे पंजाब और मीडिया जी कि अपन सूरजमुखी की फसल तो काफ़ी कुछ सीखना चाहिए जो सूरज चढ़ जाता है तो सूरजमुखी के सारे फुल सूरज वल मूह हो जाता है ज्यों ज्यों जिधर जिधर जाई जाता उधर जो सूरज छिप जाता है उदों की करते हैं उदो एक दूजे वल मूह कर लेते रात जिन्हें चर चान नहीं होंगे वो एक दूजे को चप्पी पाते हैं पंजाब भ्रिष्टाचार का नेरा चल रहा है पंजाब माफिया का नेरा चल रहा है हजे थोड़ा जा एक दूजे वाल मूँह करके इकट्ठे रहो मैं थोड़ा यकीन दवाना बहुत जल्दी सूरज चढ़ूगा
इंसाफ का दिन नहीं चढ़ना जो लोगों के दिल चो यह डर नहीं जाता। मैं उन्होंने लोगों को कहना चाहना कि रात लंबी होने का मतलब सूरज मर नहीं जाता। जिन्ना कोल लखां करोड़ां ने वह मैनू बुलाउंदे पए ने, जा सकता हाँ पर नहीं जाता। साहां का भार ही सब तो वध भारी है मैं परख लिया। जरा सोचो डुबण तो बाद बंदा तर नहीं जाता। मेरे नाम के नारे ना लाओ, आप चबड़ाए दे लीडर ला ला के नारे ना ला के जकारे उन्होंने लगे भी सब तो कोई हटा नहीं सकता। मैं कुछ नहीं है, मैं थोड़िया वोटा ने तुम जताया, मैं सौ चुकी है तो पेन थोड़ा है। जे मेरा पेन लोगों के हक च गरीबों के हक चलूगा तो पेन मेरे को रहूगा, नहीं तो फिर जे मैं आपके चमचिया के अपने चेले चपटे के हक चलाऊंगा तो बिल्कुल उम्मीद जिम्मे तुम मेरे हाथों पेन खो के किसी होर दे दोगे जिम्मे उन्होंने तो खो के मैंने दिता। सो जिंदाबाद करनी है तो इनकलाब की करो, जिंदाबाद करनी है तो पंजाब की करो। सो भीरो खेती बारे बहुत सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के माहरां नाल मीटिंग होंदी हर रोज किवें पानी नूं बचाउणा आपां, क्योंकि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत गुरु नानक साहब ने कहा सी पर आपां तिन्नों दर्जे कायम नहीं रख सके, ना साडी आपां बचा सके सी जरूरी है ना पानी ते ना धरती, आपां ने तिन्नों दर्जे कायम रखने ने। थोड़ा बहुत बड़े फैसले लेने पैणगे, आपां नूं सहयोग करना पऊगा। जे मैं कहदा कि मैं इन्ने पैसे दे दूंगा जी तुसीं पानी बचाउण का त्याग कर दो, कहिंदे नहीं 5000 दे मेरी जमीन है। जे मैं कहदा कि झोने तो थोड़ा जिहा पासे हटीए पानी मुकदा जा रहा, कहिंदे फिर कीड़ियां फसलां बीजिए, मैं कहा जदों पानी मुक गया जिहड़ियां उदों बीजिया करोगे, पहली बीजण लग जाओ ना। सो इस करके सहयोग दे नाल चलूगा, कोशिश कर रहे हैं कि प्रेरित करिए, पुराना जिहड़ा माइंड सैट है वह तोड़ दिए कि बस आही फसल होंगी आही होंगी। मैं FCI की स्टैंडिंग कमेटी का मैंबर से, मैं जो मैं MP सी तो FCI दे अधिकारी उत्थे आउंदे हुंदे सी, वो हाथ लांदे सी मेरे को, कहिंदे साडा झोने तो खड़ा छड़ा दो, तो मैं किसानों को जाता सी वो भी कहे सी साडा झोने तो खड़ा छड़ा दो। फिर आप जाइए किधर, MSP नहीं हैगी कितने। अज मैं अनाउंस किया 20 मई तो पहला 15 दिन है जी मूंगी बीज लो, 55 दिन च पकती है, MSP देवे मूंगी दे 55 दिन बाद 10 जुलाई 15 जुलाई 126 झोने का जेडे किस्म तो बासमती वो बीजोगे, बासमती दी MSP देवे। ये की होगा, एक तो एक्स्ट्रा फसल मिलेगी, कणक ते झोने दे विचाले 55 दिन की जिहड़ी, तो जून दे विच जे तुसीं पानी नहीं वरतांगे तो जुलाई दे विच प्री मानसून ते मानसून आ जाती है, तो नाले झोना नहीं होगा। 126 किस्म बहुत वधिया किस्म है, बासमती माझे च बहुत ज़्यादा बीजी जाती है। सो इस तरह करके अपन धरती भी बचानी है, चुल्हा भी नहीं किसी का बुझण देना वो अग न। 3 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी मेरे सिर पर है, मैं थोड़ा सहयोग मांगना, बस सच्ची नीयत है। पंजाब नूं दिलों प्यार करते हैं, भगत सिंह होर ने लिखा सी कि इश्क करना सबका पैदायशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। पंजाब की धरती महबूब बना लेंगे, इनू बचाई, इन्नी जरखेज धरती है। मैं पूरी दुनिया च गया, न्यूजीलैंड तो फिजी तो दुनिया शुरू हो जाती है, वैसट कोस्ट कैलीफोर्निया वैनकूवर वाले पास खत्म हो जाती है, कितने इन्नी जरखेज धरती नहीं हैगी जी एक साल च
150 मन दाने पैदा कर दे, 90 मन झोना, 60 मन कणक, हुण विच मूंगी भी आऊगी। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 8 ਬੈਂਡ ਮੁੰਡੇ ਲਈ 7.5 ਬੈਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੁਜੀਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਸੀਏ, ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ PAU, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 1991 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਅਗਨੰਗ ਤੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਹ ਪਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਆਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮੀ ਸਾਨੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਪੇਂਟ 'ਚ ਗੜਬੜ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ, ਅੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, NBA 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਲਿਬਰੋਨ ਜੇਮਸ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਬਰੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋਮ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਵਲੈਂਡਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਛੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਆਇਆ, ਕਲੀਵਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬੈਸਟ ਆਫ 7 ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ, 7 ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਿੱਤੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ 1-0, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵੀ ਲਿਬਰੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ 2-0, ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵੀ ਲਿਬਰੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, 3-0 ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਲਿਬਰੋਨ ਜਿੱਤ ਗਏ 3-1, 5ਵੇਂ ਮੈਚ ਵੀ ਲਿਬਰੋਨ ਜਿੱਤ ਗਏ 3-2, 6ਵੇਂ ਮੈਚ ਵੀ ਲਿਬਰੋਨ ਜਿੱਤ ਗਏ 3-3, 7ਵੇਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 102-102 ਅਤੇ ਮੈਚ ਟਾਈ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
तीन सैकंड का मतलब है सीधी लबरॉन को बॉल जाऊगी, उन्हें पानी जो पै गई ठीक है नहीं, एक्स्ट्रा टाइम जाऊगा लबरॉन बॉल मिली तो भाई थ्री पॉइंट वो पै गई 105-102 चैंपियन बन गया। चैंपियन बनने तो बाद ग्राउंड के इंटरव्यू किया टीवी वाले ने, कहते भी की कहना चाहिए, वो कहता रब मेरी बहुत औखे कामों से ड्यूटी ला दिता है, जिम्मे हूँ कहते भी क्लीवलैंड चैंपियन बनाना औखा काम है, रब मेरी बहुत औखे कामों से ड्यूटी ला दिता है, पर शायद रब न पता है कि मैं औखे काम कर लेना, तो मेरी भी ड्यूटी तो लगी औखे कामों से, पर तुहाडे सहयोग बिना मैं वो औखे काम कर नहीं सकता, तुसी नाल होवोगे सारे औखे काम कर लेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब।